Hello guys, welcome to Archgenesis. This is Vikash Kumar and today we will discuss on the perspective. So today discuss on one point perspective. So I am starting from basic. So look before. हम पहले क्या करेंगे, एक हाफ पार्ट में एक लाइन खींच लेंगे. उसके बाद हमें एक पॉइंट से निकालनी है. तो एक पॉइंट से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट का ये निकलना चाहिए. जैसे देखिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करते जा रहा हूँ. जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा है और ये लाइट चारों तरफ फैलती जा रही है लाइक दैट. सो वी विल डिस्कस ऑन हाउ कैन पुट द ऑब्जेक्ट इन दिस. सो जैसे मान लो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव
आप इस तरह का बॉक्सेस का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, सो मैं अब पर्सपेक्टिव में बनाने जा रहा हूँ, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। सो मैंने जैसे बताया था हाफ पार्ट कर लेने के लिए, तो आप एक पेपर है उसका पूरा हाफ पार्ट कर लो पहले। लोग स्केल का यूज करते हैं बट
बढ़ जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं अभी रफ स्केच कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ इसमें। सो आई होप आप समझ गए होंगे मैं कैसे बनाया मैंने। आपको भी इस टाइप से प्रैक्टिस करना है, फिर आपको धीरे धीरे मैं ह्यूमन कैरेक्टर पर भी आऊँगा, बट अभी पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव आप पहले समझ जाएंगे तो वो सब बनाना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको उसमें भी। जैसे मैं इसमें ये डार्क सेट थोड़ा कर दे रहा हूँ, सो फाइनली दिस कंप्लीट हो गया। आपको इसमें कुछ नहीं करनी है, बस इसमें आपको स्ट्रेट लाइन पे ध्यान देनी है। जैसे देखिए मैंने इसमें क्या किया है, बस स्ट्रेट लाइन ही किया है, जहाँ देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन सब जगह स्ट्रेट लाइन ही मैंने यूज़ किया है। सो आपको कुछ ऐसे ही यूज़ करके बनाने हैं, टफ नहीं है आपके लिए। सो आप इसे बनाएंगे अच्छे से, और आपको स्क्रीन पे एक और होमवर्क आपको मिल रही है, उसको भी आपको बनाना है। आप उस होमवर्क को बनाकर आप हमें मेल पे मेल कर सकते हैं, आपको मेल आईडी दी जा रही है, आप मेल करो। या कुछ पूछना है, या कुछ क्वायरी है, या आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप बेहिचक मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको हमेशा रिप्लाई कर रही है और करती रहेगी। सो थैंक्स, थैंक यू। लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।